अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों सबसे पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल में जो ये वाला ऑप्शन आया हुआ है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, ओके। लेकिन जो है अब आप फिर से देख सकते हैं कि वो वाला ऑप्शन हट चुका है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आपके भी मोबाइल में ये वाला ऑप्शन आ चुका है और अगर नहीं आप हटा पा रहे हैं तो आप उसको हटाएंगे किस तरह से, ठीक है। देखिए दोस्तों ये वाला ऑप्शन क्यों आया है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आपके मोबाइल में आ चुका है और जो है आप इसको हटाने के लिए चाह रहे हैं और जो है आप YouTube पर सर्च करके मेरा वीडियो जो है अभी आप देख रहे हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको 100% सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप भी एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू वाले ऑप्शन को हटाने के लिए सीखना चाहते हैं तो बस आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सामने में ये वाला ऑप्शन आया हुआ है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, ओके। अभी देखिए दोस्तों मैं इसी को जो है आपके सामने में ख़त्म करके दिखाने वाला हूँ, ओके। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो है ना ये वाला ऑप्शन हटाने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मैं इसके अंदर आ गया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको वो वाला ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर देखिए अगर मैं ये सब पे भी क्लिक करता हूँ नीचे में, लेकिन देख सकते हैं कि कहीं पे भी ये जो है डिलीट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको डिलीट किस तरह से करना है मैं अभी जो है आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये जो है हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे अभी जो है आप देख सकते हैं। और देखिए अभी मैं आपके सामने भी इसको हटाऊंगा और ये जो है आपको नहीं दिखने वाला है, ओके। तो चलिए सबसे पहले दोस्त यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग को ओपन करने के बाद में आपको ज़रा सा नीचे आ जाना है और आने के बाद में यहाँ पे आपको ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ऐप लिस्ट पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपके मोबाइल में जितना भी ऐप होगा वो सारे ऐप्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, और लोडिंग लेने के बाद में यहाँ पे देखिए दोस्त अब जो है आपके सामने में वो सारे ऐप्स आ जाएंगे जितने भी आपके मोबाइल में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो वही वाला ऐप्स आपको ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला ऐप्स है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू। तो चलिए मैं इसी पे क्लिक कर देता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अभी है ना, मैं अभी जो है इसको हटा के बताऊँगा, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में फिर से फोर्स स्टॉप पे क्लिक आप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरा काम क्या करना है कि स्टोरेज यूजेज पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियर कैश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको क्लियर डाटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। अब देखिए आप जैसे ही काम करेंगे तो यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि वो वाला ऑप्शन जो है हट चुका है, यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है। इससे पहले यहाँ पर मैंने आपको इस तरह से करके दिखाया था, दिख रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से जो है आप एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू वाले ऑप्शन को हटा सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही है, अब हम आपसे मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में।